कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज अगर किसी व्यक्ति को हो जाए और वो आईसीयू तक अगर चला जा रहा है, ऐसी कोई स्थिति बन रही है जिसके कारण उसको आईसीयू में जाना पड़ रहा है, उसके लिए राहु की वही रेमेडी आप करोगे जो जौ वाली बताई थी, उसका वेट करवाना है, वेट का 1/10 जौ परचेस करना है, जो जो लिया है उसका 1/4 उसमें दूध डालना है, 2-4 सूखे नारियल डालने हैं, और अगर पॉजिटिव पॉसिबल हो तो उसके हाथ से या तो उसके ब्लड रिलेशन वाला कोई भी व्यक्ति जाके उसको डोनेट कर दे। इमीडिएट अगर आने होंगे तो रिजल्ट आएंगे, नहीं तो जो होना होगा वो भगवान की इच्छा है। अगर वो कहीं से भी सही होने की कंडीशन में हुआ तो उसको इमीडिएट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएंगे, नहीं तो नहीं है। नहीं आने का मतलब भी एक होगा कि भगवान की इच्छा अब इसकी बचाने के लिए या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली का 1/3 जो 1/10 भैया वेट का 1/10 जो और जो का 1/4 दूध। सूर्य की रेमेडी क्या करी जा सकती है आप लोग बताएंगे, सूर्य के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? हम तो आदित्य विजय स्तोत्र बताएंगे, का पाठ करें। और क्या किया जा सकता है सूर्य की रेमेडी? एक माला रोज करिए सूर्य की। सूर्य से कनेक्टेड एक प्लेनेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मंकी, और सूर्य से कनेक्टेड एक पदार्थ है उसको हम लोग बोलते हैं गुड़। तो अगर बंदर को गुड़ खिलाया जाए तो इससे बेहतर सूर्य की कोई रेमेडी नहीं होगी। सन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो अगर बंदर को गुड़ खिला रहे हो आप तो रेमेडी अपने आप खत्म हो जाएगी, मतलब वो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। चंद्रमा की रेमेडी क्या हो सकती है? अमावस्या के दिन पितरों के नाम से खीर या दूध का दान करें। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से खीर या दूध का दान करें। क्वांटिटी भी कुछ होगी? क्वांटिटी आपके अनुसार पर निर्भर करती है, श्रद्धा के अनुसार नहीं, सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य जितना आप कर सकें, जो लंबे समय तक चले ऐसा करें। आपकी अगर सामर्थ्य है तो आप भंडारे के रूप में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, ठीक है, और आपकी अगर सामर्थ्य नहीं है तो एक चम्मच भी चढ़ाओगे वो भी स्वीकार करेंगे भगवान। तो श्रद्धा की बजाय सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि जब तक सामर्थ्य के अनुसार कोई भी डोनेशन नहीं होता ना तब तक श्रद्धा उसमें बलवती हो ही नहीं सकती, याद रखिएगा। जब तक सामर्थ्य के अनुसार कोई उपाय नहीं होता तब तक उसमें एक्चुअल जो श्रद्धा होनी चाहिए आती ही नहीं है, और तब तक भगवान या इष्ट या वो ग्रह रीझता ही नहीं। आगे मरकरी का उपाय क्या है? मरकरी से कनेक्टेड व्यक्ति हैं किन्नर, मरकरी से कनेक्टेड कलर है ग्रीन, तो अगर किन्नरों को हरे रंग का कोई भी चीज डोनेट करी जाए, श्रृंगार का सामान डोनेट किया जाए, साड़ी डोनेट करी जाए, तो मरकरी की एक्चुअल रेमेडी। मरकरी होते हैं पक्षी जिसमें कबूतर मुख्य रूप से, अगर कबूतर को हरे रंग की मूंग खिलाई जाए तो मरकरी की एक्चुअल रेमेडी कर रहे हो आप। क्या कबूतर को क्या भैया? हरे रंग की मूंग, हरी मूंग। अच्छा, हरे रंग की मूंग, हरी मूंग अगर खिलाया जाए कबूतर को मुख्य रूप से। पक्षी ही मरकरी हैं जितने भी हैं, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो जितने भी बर्ड्स हैं वो मरकरी हैं एक तरह से, जिसमें मुख्य रूप से कबूतर जो है वो पूरा का पूरा मरकरी का एट्रीब्यूट लेके चलता है। क्योंकि आपको पता है शायद पहले के समय में कबूतर को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पक्षी बोला जाता था, क्यों? क्योंकि वो चिट्ठी तक लेके जाता था, उसको पता होता था ये चिट्ठी किसको देना है, जिसका नाम बोल के दे दिया जाता था उसको पहुंचा देता था, इसलिए कबूतर में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंसी देखी जाती है, इसलिए कबूतर को मुख्य रूप से मरकरी से कनेक्टेड पक्षी बोलते हैं, क्योंकि उसके में दिमाग बहुत है। इसलिए कबूतर को अगर हरे रंग की मूंग खिलाई जा रही है तो आप मरकरी का एक्चुअल डोनेशन कर रहे हो। जल्दी जल्दी लिख लीजिए थोड़ा सा।
जुपिटर की रेमेडी क्या है? जुपिटर कौन होते हैं? प्रीस्ट, मतलब पुजारी। रिलेटेड आर्टिकल क्या? चने की दाल। और जुपिटर ऑल्सो वेल्थ, पैसा भी जुपिटर ही है। तो इसलिए अगर किसी मंदिर के पुजारी को पीला वस्त्र या चने की दाल और कुछ पैसे साथ में गिफ्ट किया जाए या दान दिया जाए तो सबसे एक्चुअल रेमेडी है। चना की दाल 40 दिन तक मंदिर में रख भी दे तो भी बृहस्पति का उपाय हो जाता। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हो किसी व्यक्ति को, खून से संबंधित कोई प्रॉब्लम, तो मसूर की दाल मंदिर में रखाए 40 डेज तक रख ले तो बहुत बड़े 43 डेज तक। केतु के लिए 3 केले लगातार 43 दिन तक दान करें। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एस्प्रिया जी, अगर उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो केलों का कॉन्टिन्यू डोनेशन उसके हाथ से करवाया जाए। अच्छा। क्योंकि मन तभी नहीं लगेगा जब केतु साथ में होगा। हाँ, मंदिर में रखना सबसे बेस्ट होता है। सर कितने दिन तक? 43 दिन तक। 43 दिन। एक बात याद रखिएगा, जो बोलते हैं, जो लोग कहते हैं मेरा राहु खराब राहु खराब राहु खराब, जो व्यक्ति ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है उसका राहु खराब हो ही नहीं सकता। इसलिए एकांत सेवन से बचें, ज्वाइंट फैमिली में रहें, राहु अपने आप सही रहेगा। शुक्र का उपाय, जो भी आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसके वेट के बराबर हरा चारा गौशाला में दान करें। स्पेशली मेल के लिए है ये। और वीनस का उपाय क्या है? काली गाय की सेवा करने से वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बल्कि वीनस ओवर पावर हो जाता है। मतलब अगर किसी को एक्टिवेशन भी करना हो वीनस का तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। काली गाय को किसी भी तरह से कुछ सेवन किया जाए, सेवा करी जाए। सैटर्न या राहु को सही करना है तो गुड़ के आटे की गुड़ और आटा मिलाकर के गोली बनाएं और मछलियों को खिलाएं। 96 दिन तक करना है। 96 शनि के लिए भी है ना? शनि और राहु दोनों स्ट्रांग हो जाता है। केतु की सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो कान छेदन है और कान में स्वर्ण डाल के रखना है। कान में अगर आप सोना पहन के रखे हो तो आप केतु की आपने एक्चुअल में रेमेडी करनी। मरकरी नाक छेदन, जहां नसें इकट्ठी होती हैं। तो जो आपका नाक होती है ना, नाक के जो बीच का पार्ट होता है, ये केतु के एक मरकरी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, यहाँ हम नाक पर इसका छेदन करवा लिया जाता है तो वो तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। भाव लगती होगी लेकिन। तो क्यों भैया, तो ये इसका मतलब है सभी जो लेडीज हैं, काली माँ जो है वो आप देखो ना, ज्यादातर काली माँ का जो स्वरूप ठीक है। हाँ, अभी बाद में क्वेश्चंस, बाद में जी जी। और अगर नाक छेदन इत्यादि कर लिया जाए समय पर, तो अगर माइंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसमें नसें इकट्ठी हो जाएं या नसें चढ़ जाती कभी कभी सर की, तो वो प्रॉब्लम भी सही हो सकती है। 40 दिन तक, जैसे कोई मेल है तो 40 दिन तक कम से कम उसको छेदवा के रख सकता है, उसके बाद वो फिर उसको फिर चाहे तो पुजवा सकता है। अगर किसी मेल को करवाना है तो कान छिदवाए, 40 दिन तक उसमें कुछ डाल के रखे, उसके बाद उसको अगर वो पुजवा भी देगा तो भी वो सही हो जाएगा। मैरिज प्रॉब्लम के लिए एक रेमेडी मैंने केपी ज्योतिष में बताई थी,
सेवंथ कस्पर सब लॉर्ड को देखना, यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड को देखना है। सेवंथ लॉर्ड जो भी प्लेनेट है उस कलर के धागे में पंचमुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है और उस पर्टिकुलर प्लेनेट की फास्टिंग करनी है जो भी प्लेनेट बना है, और उस फास्टिंग के दिन उस प्लेनेट से रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल खाना भी है। तो बाद में पूछ लेना, अभी लिख लो, डाउट बाद में पूछना। अन्न व नमक का सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। शनि बने तो बादाम, बृहस्पति बने तो केसर, चंद्रमा बने दूध, सूर्य बने तो गुड़। 6 से 7 फास्टिंग में ही रिजल्ट आ जाएगा। सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है ये जो मैं बता रहा हूं। मैरिज प्रॉब्लम के लिए कात्यायनी देवी के मंदिर में जाएं, दर्शन करें, पूजा करें, मधुराष्टकम का श्रवण व पाठ करें। ये उपाय वो लोग कर सकते हैं जिनकी मैरिज हो नहीं रही है या मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, तो पति पत्नी दोनों करें। मैरिज नहीं हो रही है तो कात्यायनी देवी के मंदिर में एक सिंगल पर्सन जाए, जो चीजें बताई वैसे फॉलो करें, और अगर मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जोड़ा से जाएं और ये सारी चीजें फॉलो करें वहां पर। चाइल्ड के लिए संतान गोपाल स्रोत का पाठ करें, बच्चों के लिए। नौकरी के लिए मरकरी के उपाय और 6 लॉर्ड के उपाय, जो भी 6 लॉर्ड हो उसके उपाय करें।